Hi guys, welcome back to Mechanical Engineering 020. This is your host Deepak Kumar Kanoshia. दोस्तों आज हम ITI सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं जो है हमारा फायर एंड फायर फाइटिंग. ठीक है, ये मेन हमारा लेक्चर है, यानी आग लगने के कौन कौन से कारण होते हैं एवं उन्हें कैसे बुझाया जाए. आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई, बेसिकली तीन मेन कंडीशंस होती हैं हमारी आग लगने की. प्रथम ईंधन, द्वितीय ताप, तृतीय ऑक्सीजन. इन तीनों के सहयोग से ही हमारी आग का निर्माण होता है. यदि इंग्लिश में बात करें तो हमारा फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, ये सारे कंबाइन होकर आपका फायर का निर्माण करते हैं. देखिए कुछ इस टाइप का ये थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए. ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों मिलकर आपके लिए फायर का निर्माण करते हैं. ठीक है, बात आगे करते हैं कि जो आग है, आग की जो दुर्घटना है या बेसिकली लापरवाही के कारण होती है, जिससे आप तो जानते ही हैं, यदि आग लग जाती है तो उससे कई लोगों का नुकसान होता है. जैसे वो आपके मालिक, मजदूर, राष्ट्र, जो आपका सामान बन रहा है वो, यानी सबका नुकसान हो जाता है. इसलिए आग से बचने का हमेशा ख्याल रखना चाहिए. और वो जो टिप्स हैं हमारे, वो कुछ इस तरीके से हैं. सबसे पहला जो आपका आग लगने का कारण है वो है आपका बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन. देखो कई बार ऐसा होता है कि वायर लूज होता है हमारा. अब लूज हुआ, स्पार्किंग हुई और आसपास कुछ पड़ा हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो वायर है वो आग पकड़ता है. अब वायर के आग पकड़ने के साथ साथ जो नियर बाई सराउंडिंग में आपका मटेरियल रखा हुआ है वो भी जलने लगता है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका बिजली के तारों का ढीला कनेक्शन. नेक्स्ट बात की जाए तो जो तेल, जो जैसे मूविंग पार्ट्स हैं हमारे, जब वो चल रहे होते हैं तो जब उनके बीच में फ्रिक्शन होने लगता है तो उस समय हमें क्या, ऑयल डालना पड़ता है, उसमें तेल डालना पड़ता है. अब यदि वो तेल नहीं पड़ता है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. और फिर सेम रीज़न, अगर आसपास में कोई सूखा मटेरियल पड़ा हुआ है तो वो तुरंत आपको पकड़ लेता है. ठीक है, बिल्कुल, ये नेक्स्ट पॉइंट वही है कि तेल से सने चिथड़े जगह जगह बिखरे होना, वही पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन हुआ, वायर से चिंगारी पड़ी या कोई माचिस वगैरह जला के फेंक देता है तो उसकी वजह से भी आपका जल जाता है. भाई अगला पॉइंट है आपका बिजली के तारों पर ओवरलोड होने से, बिजली के शॉर्ट सर्किट से, विस्फोटक पदार्थों को ध्यान से ना रखने पर. अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो हो गए वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से आग लग सकती है. अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस फायर को रोकें, यानी फायर फाइटिंग करते हैं अपन, आग को रोकने के उपाय. आगे बढ़ते हैं भाई, लिखा हुआ है कारखाने को आग से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम है यदि आग लग जाती है तो ये नहीं चिल्लाना है हमें कि बस चलो भागो भागो. अपन देखते हैं वहाँ पे कि भाई सबसे पहले अपन चिल्लाएंगे वहाँ आग आग. ठीक है, अपन आग आग पुकारेंगे वहाँ. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो भी सिग्नल देने के लिए वहाँ पर अपरेटस लगा हुआ है, भाई बेसिकली सायरन ही होता है या कहीं बेल लगी होती है, तो आप उसको ऑन कर देंगे. दूसरा, वर्कशॉप में कार्य करते समय आपको धूम्रपान नहीं करना है. भाई मजे में सिगरेट पी रहे होते हैं, फेंक दिया, कोई होश नहीं है. माचिस पड़ी है, कोई सूखा मटेरियल पड़ा हुआ है, चिथड़े पड़े हुए हैं, तेल से सने हुए, तो उससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कि वर्कशॉप में काम करते समय अपन धूम्रपान नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं, आग लगने पर तुरंत फायर ब्रिगेड व कारखाने के उच्च अधिकारी को सूचित करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुरंत आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे और जो आपका सुपीरियर है, जो आपका अल्टीमेट सुपीरियर है, आप तुरंत उसको सूचना दें ताकि वो नेसेसरी एक्शन ले पाएगा. आगे बढ़ते हैं, मशीन को कॉटन वेस्ट द्वारा साफ करने के बाद, बिल्कुल सही बात है कि यदि आप किसी भी मशीन को साफ कर रहे हैं तो साफ करने वाला जो कपड़ा होता है वो बेसिकली कॉटन का बना होता है, उसको अपन क्या करेंगे, डस्टबिन में ही डालेंगे और उस डस्टबिन के लिड को कवर कर दें. हो सकता है कि भाई आप जानते हो वर्कशॉप में बड़े बड़े फैन काम करते हैं, जैसे ITI वगैरह में भी देखा है आपने कि आपके वर्कशॉप में जो फैंस लगे होते हैं वो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहाँ लेथ वगैरह होता है. तो क्या होता है कि अक्सर डस्टबिन से, या आपने यदि वो कपड़ा कहीं और रखा है तो वहां से वो स्लिप होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और गलती से खुदा ना खास्ता वो कहीं ऐसे मटेरियल के पास पहुंच गया जहां से आग लग जाती है, तो वो आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपका कॉटन वेस्ट है उसे डस्टबिन में डालें और उसे बंद कर दें. जैसे ही आग लगे आप तुरंत सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर दें ताकि बिजली के प्रवाह को बंद किया जा सके.
तेल से लगी आग पर पानी बिल्कुल भी ना डालें, इसे रेत या गैस से बुझाने का प्रयत्न करें। आगे बढ़ते हैं, कारखाने सॉरी आगे बढ़ते हैं, बिजली बंद हो ना हो पर बिजली तारों पर पानी ना फेंकें। अगर ऐसा करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, झटका आप ही को लगेगा। आगे बढ़ते हैं, यदि आग में घिर जाएं तो खड़ा नहीं रहना चाहिए, फर्श पर लेट जाएं, रेंगते रहिए और फिर आप दरवाजे से बाहर निकलिए। होता ये है कि जब आग लग जाती है तो वहां पर धुआं निकलने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और कई केसेस में केमिकल रिएक्शन होता है कुछ नियर बाई मटेरियल से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो जाती है जो आपके फेफड़ों को के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, तो इस स्थिति में सबसे पहले आप नीचे लेट जाएं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, गैस ऊपर की तरफ उठती है और गर्म गैस होगी तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए आप लेट कर रेंग कर ही बिल्कुल बाहर निकले। आग बुझाने के साधनों का उचित प्रबंध अवश्य होना चाहिए आपकी वर्कशॉप में। यदि आप कहीं काम कर रहे हैं तो जाते ही देख लें कि भाई जहां भी आपका वर्कशॉप है, वर्क स्टेशन है, जहां पर आप काम कर रहे हो, सबसे पहला तो वहां पर फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, दूसरा वहां से एग्जिट का रास्ता साफ होना चाहिए, मतलब और भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, धीमे धीमे आगे देखेंगे। फायर आग किस प्रकार की होती है, सबसे पहले बात करें तो ये कार्बोनेशियस फायर है आपका, अगली बात करें तो ये ऑयल है, ऑयल यानी तेल से लगी हुई आग, तीसरी बात करें तो गैस से लगेगी आग, और चौथा आपका इलेक्ट्रिकल वायर से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। आगे देखते हैं, जो कार्बोनेशियस फायर है अपन इसे क्लास ए फायर कहते हैं, ऑयल फायर आपकी क्लास बी फायर, गैस से जो आग लगती है वो क्लास सी फायर, और इलेक्ट्रिकल फायर आपकी क्लास डी फायर होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि जो भी कार्बोनेशियस फायर है आपकी, उस कार्बोनेशियस फायर में आपको क्या करना है कि आग बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंगुशर, पानी, रेत या मिट्टी, इन्हीं इक्विपमेंट्स का आपको यूज करना है। अब क्लास बी फायर की बात करते हैं, तो क्लास बी फायर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से बुझाई जाती है, क्लास सी की बात करें तो पानी का प्रयोग करना है आपको, और क्लास डी फायर की बात करें तो सीटीसी फायर एक्सटिंगुशर आपका प्रयोग में आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद करते चलिएगा, आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। दूसरी बात की जाए तो इंटरव्यू में तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट मेरे इस वीडियो से बनेगा ही बनेगा, आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई, आग बुझाने के यंत्र, अभी हमने बात की कि किस टाइप की फायर्स होती हैं, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं। भाई फायर फाइटिंग की बात करें तो सबसे पहला आपका जो इक्विपमेंट है वो है फायर एक्सटिंगुशर। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फायर एक्सटिंगुशर। अब फायर एक्सटिंगुशर है क्या, देखिए कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है आपका, ये आपका रेड कलर का या ये कलर डिस्टिंग्विशेबल होता है, मेजॉरिटी केसेस में आपका ये रेड कलर ही मिलेगा, बाकी फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स भी होते हैं उनके ऊपर ये कलर डिपेंड करता रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है क्या आपका, एक आग से बचाव की एक युक्ति है जिसकी सहायता से अपन छोटे आकार की आग को बुझा सकते हैं और उसे नियंत्रण में हम रख सकते हैं। ठीक है, जब फायर तुरंत लगती है, मतलब फायर लगी इंस्टेंट, आपने आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग किया, अब हमेशा ध्यान रहे कि यह ऐसी आग के बुझने या नियंत्रण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है जो बहुत विकराल रूप ले चुकी है। ऐसा नहीं है कि वो आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आप ये फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि जो ये एक तो छोटा अपरेटस होता है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो छोटी छोटी फायर्स हैं जो लिमिटेड एरिया में, उन्हें अपन अपने लेवल पे बुझाने का प्रयास करेंगे। बड़ी आग लगती है तो अपन कॉल करेंगे सीधे, सबसे पहले अपना सीनियर को, फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे। अब जैसे ही अपन फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे वो आकर उस पर काबू कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रायः अग्निशमन यंत्र में, यानी ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें बेलनाकार दाब पात्र, जो दाब पात्र है ये आपका प्रेशर वेसल होता है, ये रहा हमारा प्रेशर वेसल, जिसमें एक ऐसा मटेरियल भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायता हमें मिलती है। क्लियर, मतलब ये जो आपका डब्बा है, ये जो आपका कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर के माध्यम से हम एक मटेरियल भर देते हैं। अब वो क्या है थोड़ी देर में देखते हैं, उस मटेरियल को इंस्टेंटली अचानक से बाहर निकाला जाता है, तो भाई जब ये अचानक से निकलता है तो आग के ऊपर पड़ेगा और वो आग बुझ जाएगी। आगे बढ़ते हैं भाई, फायर सबसे पहला है आपका सीटीसी एक्सटिंग्विशर,
फोम एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड और पावर एक्सटिंग्विशर। आगे बढ़ते हैं, सीटीसी एक्सटिंग्विशर जो है आपका, इसे सीटीसी मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर में पीतल के बने सिलेंडर, जो सिलेंडर है वो पीतल का सिलेंडर होता है, इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन भरा होता है। इसे बिजली द्वारा लगी आग बुझाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके रसायन विद्युत कुचालक होते हैं। इसमें मुंह पर एक हैंडल लगा होता है, जिसे दबाने पर गैस व तरल तेजी से बाहर निकलता है तथा आग बुझा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रहे ये गैसें हानिकारक होती, तो ऐसा नहीं कि हम डाल रहे हैं वहीं खड़े रहेंगे, नहीं, आप कपड़ा वपड़ा बांध कर फेस पर इसको डालिए। आगे बात करें, अगला है हमारा फोम एक्सटिंग्विशर। तो तैलीय पदार्थों तथा मोम यानी वैक्स में लगी आग को बुझाने के लिए उसकी सतह के ऊपर फोम फैला दिया जाता है, इससे उसे जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। जैसा अभी हमने कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस किया था कि आग लगने के तीन मेन कारण होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आपकी आग आसानी से बुझ जाएगी। भाई फोम एक्सटिंग्विशर में आपके दो कंटेनर होते हैं, जो इंटरनल पार्ट है, अंदर का भाग उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल पड़ा होता है, और जो एक्सीजर पार्ट है बाहर का, यानी इसमें दो कंटेनर्स होते हैं, अंदर वाले में एल्यूमिनियम सल्फेट, बाहर के भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल पड़ा होता है। ठीक है, जब इन्हें हम उल्टा करते हैं तो दोनों रिएक्शन करते हैं, और उस रिएक्शन की यानी एक रासायनिक क्रिया होती है उनमें, और उससे आपका फोम डेवलप होता है, फोम पैदा होता है। ध्यान रखें कि इस फोम एक्सटिंग्विशर की पहचान है वह भूरे रंग के हाथ चिन्ह से की जाती है। इसकी बॉडी पर आपका भूरे रंग का हाथ चिन्ह बना होगा, ध्यान रखें। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, कार्बोनेशियस फायर, कार्बोनेशियस मतलब कार्बन रिच फायर, जैसे लकड़ी, कपड़ा या अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे विद्युत द्वारा लगी आग को बिल्कुल, हाँ ध्यान रखेंगे, इससे विद्युत द्वारा लगी आग को बिल्कुल भी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा निकले केमिकल विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, ध्यान रखना दोस्त, ये अच्छा सुचालक होता है। इसकी बॉडी भी, इसकी पहचान भी बॉडी पर बने पीले रंग के हाथ से की जाती है। भाई इससे पहले भी देखा था और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। सोडा एसिड में क्या है, इसकी पहचान इसकी बॉडी पर बने पीले रंग के हाथ चिन्ह से की जाती है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ये आपका हैंडल है, ये इसकी सेफ्टी पिन है, फिर आपका हैंडल है, ये प्रेशर गेज होता है ये वाला, आपका ये साइफन ट्यूब है जहाँ से पास हो रहा है, फिर ये वाला साइफन ट्यूब है आपका, ये सल्फ्यूरिक एसिड कैन, ये रहा आपका, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन है आपका, यहाँ से नोजल है, नोजल से आपका पूरा का पूरा मिक्सचर बाहर निकलेगा और आपकी आग को बुझा देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पाउडर एक्सटिंग्विशर। पाउडर एक्सटिंग्विशर की बात करें तो इसे ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाउडर एक्सटिंग्विशर इज ऑल्सो नोन एज ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को आग पर फेंका जाता है, ध्यान रखना भाई, इसका प्रयोग विद्युतीय आग को यानी इलेक्ट्रिकल फायर्स को बुझाने के लिए किया जाता है। ये कुछ इस टाइप का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये आपका पाउडर एक्सटिंग्विशर, ओके, कुछ इस टाइप का आपका ये मटेरियल होता है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करिएगा और इसे आप अच्छे से देखिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ कार्बन लिक्विड है, डिप ट्यूब कहाँ पे, डिस्चार्ज होस कहाँ है, स्प्रे नोजल के, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस टाइप की अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि आप जो आप बुक में लिखा है थोड़ा उसे और अच्छे से एलैबोरेट करके समझ सकें, तो आप प्लीज़ अपडेटेड रहिएगा और हमें आप फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलूँ। थैंक यू।